जाओ अज रोजा गवाह बन आए मैं शादा हुजरा गवाइया दे रहे आए जिंदे बारे मेरे नबी ने फरमाया से अबू बकर दे खिलाफ बोलन वाले हो ओ तुसी पिट पिट मर जाओ अबू बकर आज भी जन्नत दे अंदर है अबू बकर कल भी जन्नत दे अंदर है اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دی ایمان تے دین تے نہیں آیا ओ जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नू ओ ईमान ते दीन ते नहीं आया ओ युस्मान दिशान दा नजरिया
शैतान लईन ते नहीं आया। ओ जेड़ा राज उमर दा मुनकर है ओ बशर जदीन ते नहीं आया। यो सिद्दीक दा सच मशकूक कहता वत सच भी जमीन ते नहीं आया। ओ सिद्दीक दा सच मशकूक कहता वत सच भी जमीन ते नहीं आया। यारी लाई इंज दियारा यारी लाई इंज दियारा ओ बड़ा जोर लाया गद्दारा उन्हां दी यारी अज भी है। कईयां नूं हजम नहीं ते ना होवे जिन्ने दुनिया ते अबू बकर सदीक जैसी हस्ती नाल दुश्मनी रखी उन्दा दुनिया ते एवें फेरा ही पिया लभ्या उन्नू कुछ भी नहीं। नबियां तो बाद उलुल अजम अजमत वाली हस्ती अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन होती है। उन्हां दी वफात दा दिन इस वजह तो मेरा मौजू उन्हां दी सीरत दे हवाले नाल है तो मैं अशार उन्हां दी ही शान दे अंदर लिखे ने ते जरा तवज्जो नाल सुनो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होएगा दिल ठर जाएगा। बड़िया ने कोशिश की लेकिन अबू बकर दी अज भी यारी नबी दे नाल कायम। यारी लाई इंज दी यारा ओ बड़ा जोर लाया गद्दारा उन्हां दी यारी अज भी है। हुंदी पहरेदारी किवें वेख लै तू गार विच निभदी है यारी किवें वेख लै मजार विच। हुंदी पहरेदारी किवें वेख लै तू गार विच हो निभदी है यारी किवें वेख लै मजार विच। ओ जिन्नू गार विच नांग बड़ा डसे आए जिन्नू गार विच नांग बड़ा डसे आए उन्हें लेट के मजार विच दस आए के पहरेदारी अज भी है। ओ जिन्नू गार विच नांग बड़ा डसे आए जिन्नू गार विच नांग बड़ा डसे आए उन्हें लेट के मजार विच दस आए के वफादारी अज भी है। ओ वफादारी अज भी है। नाम जिदा सुन के नसदा शैताने नबी दा ओ यार सोना उमर जवाने। नाम जिदा सुन के नसदा शैताने नबी दा ओ यार सोना उमर जवाने। जिंदा नाम सी कुफर उते भारा ओ जिंदा नाम सी कुफर उते भारा दसो जग नू मार के नारा के भारी अज भी है। ओ यारी लाई इंज दी यारा बड़ा जोर लाया गद्दारा उन्हां दी यारी अज भी है उन्हां दी यारी अज भी है। हर किस्म दी हमदो सना तारीफ किबरियाई बड़ाई यकताई तनहाई अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते खास है। दुरुदो सलाम इमाम अल्अंबिया इमाम रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी पाक जात वास्ते और उन्हां दी सोहनी प्यारी आल वास्ते खास है। हजरात ज़िवकार
नबियां तो बाद किसे नु अल्लाह ने इस कायनात अंदर शान और मुकाम मर्तबा अता फरमाए तो ओ हस्ती अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो दी हस्ती है। मैं अज दे इस खुतबे अंदर जो भी रिवायात बयान करांगा जो भी बयान करांगा या ते कुरान दा तर्जमा होएगा कुरान होएगा ते या फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा फरमान होएगा इंशाल्लाह 90% मैं जो रिवायात तुहाडे सामने रखांगा वो बुखारी और मुस्लिम दियां रिवायात होणगियां यानी कि गल पक्की और ठकी होएगी झूठ और अपनी तरफों वादा घाटा कुछ नहीं होएगा एक दो रिवायात दूसरी किताबां दे अंदर वो भी सही अहादीस इंशाल्लाह सही कुरान हदीस दी रोशनी दे अंदर इंशाल्लाह मैं अपनी बात नूं तुहाडे सामने रखांगा दुआ करियो अल्लाह सानू समझन दी तौफीक अता फरमाए और मालिक सानू यारे गार दे नाल पक्की सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए और हशर वाले दिन अल्लाह सानू उन्हां दा साथ नसीब फरमाए हजरात इस कायनात अंदर जितने भी कलमा गो ने मुसलमान ने कलमा पढ़ने वाले ने वो जदों जदों भी कोई कलमा पढ़ता है जितना सवाब उसनों मिलता है उतना ही सवाब कबर दे अंदर मेरे अबू बकर नूं भी मिलता है। पहला इस्लाम नूं कबूल करने वाला मर्दां दे अंदरों सब नालों पहले जिसने इस्लाम कबूल फरमाया वो अबू बकर दी हस्ती है। नबी अली सलातो सलाम दा फरमान सुनो सही बुखारी दे अंदर रिवायत है आका अली सलातो सलाम फरमांदे ने इस पूरी मखलूक अंदरों सब नालों ज्यादा अपने वक्त और माल दे लिहाज नाल अगर किसी का मेरे ते एहसान है तो वह अबू बकर दा एहसान है। अगली रिवायत अल्फाज ने फरमाया अगर मैं दुनिया के अंदर किसी नूं अपना खलील बनांदा तो मैं अबू बकर नूं बनांदा लेकिन मेरा खलील अल्लाह है अबू बकर मेरा भाई है एक अखुव्वत दा रिश्ता है दीन इस्लाम दा रिश्ता है खलील मेरा अल्लाह है अगर मैं किसी नूं खलील बनांदा तो किस नूं बनांदा इत्थे एक गल काबले गौर है तौहीद हर जगह ते बुलांदे तौहीद हर जगह ते पहले इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन तौहीद इत्थे भी मेरे महबूब ने बयान फरमाई है अल्लाह दा हक सब नालों पहले तौहीद सब नालों पहले फरमाया मेरा खलील अल्लाह है अगर मैं बंदियां विचों किसे नूं बनांदा ते अबू बकर नूं बनांदा अबू बकर तो सिवा मैनू कोई खलील नजर नहीं आया अबू बकर दे एहसान ने दीन दे उपर इस्लाम दे उपर हजरात कितना मुकाम पा गया कितनी अजमत पा गया अबू बकर दा घराना नबी अली सलातो सलाम दा खादम है आप दा दीवाना और परवाना है हजरात आका अली सलातो सलाम दी वफात हुई ते झगड़ा हो गया लोगों नूं समझ नहीं सी आ रही महबूब अली सलातो सलाम नूं किस जगह ते दफन किया जाए तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अनहो दी अपनी रिवायत है फरमाते ने मैं नबी अली सलातो सलाम को सुनिया सी जिस जगह ते नबी नूं दफन करना हुंदा है ना अल्लाह नूं जो सब नालों महबूब ते पसंद जगह होवे अल्लाह उस जगह ते नबी नूं मौत दिंदा है वफात दिंदा है ते जिस जगह ते नबी दी वफात होवे उस जगह ते नबी नूं दफन कीता जांदा है लिहाजा चार पाई हटा के इस जगह ते आका अली सलातो सलाम दी कबर मुबारक बनाई जाए। हजरात इस हदीस तो एक गल समझ आई पूरी रोए जमीन तो सब नालों ज्यादा जो अपने नबी वास्ते अल्लाह नूं जगह महबूब लगी वो अम्मा ऐशा दा हुजरा लगे सिद्दीक दी बेटी सदीका ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा एक घराना सदीक अकबर दा सुभान अल्लाह। हजरात आओ सुनो असी ते इस बात ते बड़े खुश हाँ अल्लाह ने सानू अहले बैत दी मुहब्बत भी नसीब फरमाई है अल्लाह ने सानू सहाबा दा प्यार भी नसीब फरमाया है अल्लाह ने सानू तौहीद दी समझ भी दित्ती है शिरक बिदआत किस्से कहानियां तो तारीखां झूठियां तो अल्लाह ने सानू बचा के सच्चा ते सुच्चा मसलक ते मनहज रस्ता अल्लाह ने सानू नसीब फरमाया है जितना भी शुक्र अदा करो काम में असी सहाबा दे भी मनन वाले असी अहले
बैत नूं वी मन्नन वाले और कुरान और हदीस दे मुकाबले अंदर किसे छोटे बड़े दी बात नूं असी तरजीह नहीं देंदे। ए सच्चा और सीधा रस्ता जन्नत वाला नबियां वाला और सहाबा वाला रस्ता है। अल्लाह सबना नूं नसीब फरमाए। तवज्जो फरमायो। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो दिया। मैं पहले मरहले दे अंदर आप दी शान नू थोड़ा जा बयान करांगा और दूसरे मरहले दे अंदर मैं ए दसना चाहांगा कि नबी अली सलातो सलाम दे फैसले दे करीब तर फैसला पूरी उम्मत दे अंदरू सिर्फ अबू बकर दा है। सारी उम्मत दा फैसला एक साइड ते होए, अबू बकर जो फैसला करे वो दीन दे अंदर सब नालों ज्यादा मनिया जांदा है, काबिले कबूल ले हक ते मबनी है। और तीसरे मरहले दे अंदर हजरत अबू बकर दे खलीफा बिला फसल होन दियां मैं चंद दलीलां तुहाडे सामने रखांगा। अल्लाह मैनूं सही सही बयान करन दी तौफीक अता फरमा। सही बुखारी दे अंदर रिवायत मौजूद है, उरवा बिन जुबैर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नवासे ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों सवाल करदे ने, कहंदे ने सानू दसो मेरे सोने महबूब ते जो तकलीफां आईयां मुसीबतां आईयां परेशानियां आईयां जो मुश्किल वक्त आए सन उन्हां दे अंदरों कोई गल्लां सानू भी दसो ताकि सानू भी अंदाजा होवे साडे महबूब ने साडी खातर कितनियां मुश्किलां दा सामना कीता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अनहो बयान फरमांदे ने, कहंदे ने मक्के दा दौर सी मक्की दौर सी उस वक्त जदों मेरे नबी ने नवी नवी दावत दा आगाज कीता सी, सारा मक्का आप दा दुश्मन सी। हजरात मजा भी उदों आंदा है, पता भी उदों चलदा है जदों सारा पिंड मुखालफ होवे तुहाडा यार मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ा होवे। हजरत अब्दुल्ला बयान फरमांदे ने सारा मक्का दुश्मन ते मुखालफ सी, उकबा बिन अबी मुईत ए ओ बंदा है जिन्ने मेरे नबी दे कंधियां मुबारकां ते ओ जड़ी ले आ के रखी सी जिसनू अम्मा फातिमा दौड़ के आईया सन आके अपने बाप दे कंधियां तो बोझ हटाया सी। ए अब्दुल्ला बिन उकबा बिन अबी मुईत हजरत मेरे पाक नबी बैतुल्ला दे सेखन दे अंदर मौजूद सन। इस बदबख्त ने आके इंज अपनी चादर उतारी है, मेरे सोने नबी दे गिरेबान दे अंदर चादर पाके इंज बल देने शुरू कर दिते ने, मेरे नबी दा सांस मुश्किल हो गया। ओ जालिमो तुहानू कादियां दुश्मनियां ने एडे सोने चेहरे दे नाल, एडे सोने हुसैन नबी दे नाल आखर तुहानू दुश्मनियां कादियां ने, जगह जगह ते मेरे नबी नू तंग करदे पए हो, जगह जगह ते मेरे नबी नू परेशान पे कर दे। अल्लाह अकबर इन्हें चादर नू बल देने शुरू कीते ने, मेरे नबी दियां अखां इंज महसूस होया सोजश आ गई। अल्लाह अकबर सांस मेरे नबी दा मुश्किल हो गया। अबू बकर सिद्दीक नू पता चलिया, अबू बकर दियां दौड़ां लग गईयां आके बैतुल्ला दे सिखां दे अंदर इन्ना सारे धक्के मार के पीछा पे कर देने, धक्के मार के पीछा कर देने, नाल कहंदे ने आता को तुलूना रजुलन आईया कोला रब्बी अल्लाह। ओ जालिमो तुसी इस वजह तू मार दे पे हो, ये कहंदा मेरा रब एक अल्लाह है, ये लात मनात ते उबल ते हुज्जा ये 360 नू अपना खुदा नहीं मनदा बल्कि एक अरश वाले नू अपना इला मनदा है।
इस बात की दुश्मनी रख दे अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल्ला फरमाते ने ओ सारे मक्के दे अंदरों अबू बकर ने ए दुश्मनी मोल लैके मेरे पाक नबी नू बचाया अपने आप नू पेश किया उन्हां बदबख्तां ने हजरत अबू बकर नू मारिया मेरे नबी नू छड़ दिता अबू बकर नू मारन लग गए मार मार के बेहोश कर छड़िया हजरात सही बुखारी दे अंदर है अबू बकर ने उस वक्त मेरे नबी दे हिस्से दी मार अपने जिस्म ते गवारा कीती है अपने जिस्म ते बर्दाश्त कीती है अल्लाह अकबर अल्लाह ओ सोने यार उते इस हस्ती नू ओ जे यार मिटावना आंदा नहीं ओ छड कसबिया तस्बी नू तेनू विरद पकामना आंदा नहीं सुने यार उते इस हस्ती नू जे यार मिटावना आंदा नहीं ओ सानू दस ना हू हक कर करके सोना यार त मिलदा मर मर के ओ छड इश्क ते बह जा ओ चुप करके ओ तेनू सीस कटावना आंदा नहीं सोने यार उते ओ इस हस्ती नू ओ जे यार मिटावना आंदा नहीं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अनहु ने सब दे सामने अपने आप नू पेश करके मेरे नबी नू बचा ले आए सुबहान अल्लाह इंज दी यारी है इंज दी वफादारी है ओ मैं कुर्बान जावा एवें दे यार किवें मिलणगे कित्थों मिलणगे कायनात ने उस तों बाद एवें दी यारी वेखी नहीं दुनिया ने उस तों बाद एवें दी वफादारी वेखी कोई नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह हजरात अगली रवायत सुनया जे जान दे ओना गज़वा ओहद दे मौके ते 700 बंदे दे अंदरों सिर्फ 12 बंदे बाकी मेरे नबी दे कोल रह गए सन जदों दुश्मना ने दोबारा पलट के वार कीता सारे दे सारे नस गए सन पीछे हट गए 12 बंदे मेरे नबी दे कोल रह गए उन्हां 12 दे अंदर मेरा अबू बकर भी नाल सी हर जगह ते अबू बकर ने मेरे नबी दा साथ नहीं छड़िया अल्लाह ने भी फिर यारियां इंज मिलाइया अल्लाह ने जोड़ियां इंज मिलाइया हर जगह ते मेरे नबी दा साथ मिलिया ओ जेड़ा औखे वेलियां ते कम आवे ओ यार किवें भुलदे ने ओ साथ भला किवें भुलदे ने ओ चेर भला किवें भुलदे ने मेरे नबी दी सही रवायत आका ने सलातो सलाम फरमांदे ने तिरमिज़ी दे अंदर रिवायत है आका फरमांदे ने ओ मेरा अबू बकर तू मेरे गार दा वी यार है हौज़े कौसर दा वी यार है तू गार अंदर मेरा साथ नहीं छड़िया अबू बकर हौसे कौसर ते मैं तेरा हाथ नहीं छड़ना मैं तेरा साथ नहीं छड़ना ओ जदों सारियां नू नफसा नफसी दी पई होएगी ओ जदों सारे तरलियां ते होनगे ओ जदों सारे डरे होनगे अबू बकर उस वक्त हौस मेरा होएगा उस जगह ते साकी बन के नाल तू ही खड़ा होएगा अल्लाह अकबर खुश नसीब ओ होणगे जिन्हां नू मेरे नबी दे हत्थां विचों जाम मिलना है अल्लाह अकबर छोटी जी गल सुनावा ईमान ताज़ा होवे
हजरात जदों सख्त गर्मी है शिकर दोपहरा ने इंज सूरज बिलकुल करीब है प्यास दा बुरा आलम है लोग पानी दी तलाश अंदर ने एक टोला इंज मेरे नबी दे कोल आएगा मेरे नबी फरमांदे ने मेरे हौस दे बर्तन इंज ने जिवें आसमान दे सितारे ने सोने चांदी दे बर्तन ने मेरे हौस दा पानी दुध नालों ज्यादा सफेद है शहद नालों ज्यादा मिठा है कस्तूरियां नालों ज्यादा खुशबूदार है जिस बंदे नु माशर दे मैदान अंदर मेरे हौस दा एक घुट मिलया उस बंदे नु 50,000 साल तक प्यास नहीं लगनी अल्लाहु अकबर इंज कटोला आना है मेरे नबी फंज अपने बर्तन रख देन गए अपने बुकां दे नाल पिलान गए अबू बकर भी नाल होण गए अबू बकर जाम भर भर के लोगां नूं पिलान गए अल्लाहु अकबर असीं उहदे दुश्मन क्यों बनीए जिन्ने सानू हौस दा पानी पिलाना है असीं उहदे नाल प्यार क्यों ना करीए जिन्ने मेरे नबी दे नाल होना है अल्लाहु अकबर अल्लाह एक गल सुनावा ईमान ताजा होवे अल्लाहु अकबर इंज ना मेरे सोने नबी बाग अंदर मौजूद ने ए भी रवायत बुखारी दे अंदर है अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाहु ताला अनहु बयान फरमांदे ने कहंदे ने मेरे नबी कुएं ते बैठे होए ने बाग अंदर जो कुआ है ओंदी मुडेर ते बैठे ने अपने पांव मुबारक कुएं दे अंदर लटकाए होए ने बड़े सुकून ते आराम नाल बैठे होए ने बाग दे दरवाजे ते दस्त कोई है आका फरमांदे ने जा जा अबू मूसा जेड़ा बंदा दरवाजे ते आया है इस बंदे नू वेलकम कर ते नाले जन्नत दी बशारत दे दे कैद रब ने तेनू जन्नती लेके छड़या है हजरत अबू मूसा शरीफ फरमांदे ने मैं जूं ही दरवाजा खोलिया सामने अबू बकर खड़े होए सन सुभान सामने हजरत अबू बकर खड़े होए सन मैं जन्नत दी बशारत दीती ते अंदर दाखल होए अल्लाह दी तारीफ करदे करदे अंदर दाखल होए दरवाजा बंद हो गया हजरत अबू बकर मेरे नबी दी दाई साइड ते आके बैठ गए कहंदे ने दोबारा दस्तक होई है मैं फिर दरवाजे ते पहुंचया आका फरमांदे अबू मूसा दरवाजा खोलो ते जेड़ा बंदा दाखल होवे ओनू जन्नत बशारत देव मैं दरवाजा खोलिया ते सामने उमर खड़े होए ने रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अंदर दाखल होए बशारतां दित्तियां तीसरी दफा दरवाजा खटखटाया गया आका फरमांदे ने अबू मूसा जेड़ा बंदा हुण दाखल होवे ओनू ये कह दे आजे जेड़ियां उन्हां ते मुसीबतां आन गईयां उन्हां दे बारे वी आगाह कर दे आजे ते नाल ओनू जन्नत दी बशारत दे आजे कहंदे ने जदों मैं दरवाजा खोलिया सामने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अनहु खड़े होए ने हजरत उस्मान अंदर दाखल होए आ वेख्या जे मंजर तवज्जो फरमाया जे मेरे पाक नबी बैठे ने सज्जी साइड ते अबू बकर बैठे ने बाई साइड ते हजरत उमर बैठे ने दोनों साइडा ते जगह पुर हो गई इंज सामने कदमा वाली साइड ते कुम्मे दी मोडेर ते हजरत उस्मान ने गनिया के बैठ गए रावी कहंदा है मैं उस वक्त अंदाजा लगा लिया सी ए दोवें यार मेरे नबी दे नाल दफन होण गए उस्मान मेरे नबी दे कदमा दे अंदर दफन होण गए ओ जाओ वेख लो अज वी बकी दे अंदर मेरे नबी दे नाल अबू बकर सुता है नाल उमर जरार लेट आए इन्हां दे कदमा दे अंदर मेरा उस्मान लेट आए अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरत जिवाकार किसे नु शक होवे ओना दे ईमान ते किसे नु शक होवे ओना दे सलामत ते जाओ अज रोजा गवाह बनया है हमेशा दा हुजरा गवाहियां दे रहा है जिंदे बारे मेरे नबी ने फरमाया सी मां
بين بيتي ومنبري روزة من رياض الجنة ابو بکر دے خلاف بولن والے او تسی پٹ پٹ مر جاؤ ابو بکر اج وی جنت دے اندر ہے ابو بکر کل وی جنت دے اندر ہے اللہ اکبر اللہ حضرات رب نے انج جوڑیاں ملائیاں رب نے انج پیار نبھائے نے توجہ فرمایا جائے اللہ اکبر اللہ بخاری دی روایت پڑھن لگیاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہندے نے نبی پاک دی موجودگی دے اندر اسی جدوں وی اس موضوع تے گل کردے تے ایہو گل کریا کردے سن میرے سونے نبی تو بعد اگر کوئی سب نالوں زیادہ شان والا ہے تے میرا ابو بکر ہے نبی دی موجودگی دے اندر اسی ابو بکر نو سب نالوں اللہ تے افضل سمجھیا کر دے نبی تو بعد اونا تو بعد حضرت عمر نو اونا تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو اے نہ سوچیا جے اے نہ سوچیا جے پتہ نہیں کتھوں ਰਵੈਤਾਂ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਐਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਨੇ ਆ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਅਲੀ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਹਨਫੀਆ ਹਜ਼ਰਤ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک ماں فاطمہ زندہ رہیاں اس وقت تک کسی بھی دوسری عورت دے نال نکاح نہیں فرمایا جدو اماں فاطمہ وفات پا گئیاں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی نے کئی شادیاں فرمائیاں نے انہاں دے اندر ایک عورت جندہ نام حنفیہ سی محمد ابن حنفیہ حضرت علی دے بیٹے نے او بیان فرماندے نے اللہ اکبر کہندے نے میں اپنے والد یعنی کہ حضرت علی المرتضی کو سوال کیتا میں پوچھے ابا جی ایک گل دا جواب دے دیو او تسی نبی تو بعد سب نالوں زیادہ اچا کس نو سمجھ دیو سب نالوں زیادہ شان کدا من دیو حضرت علی فرماندے نے او میرا لال او میرا پتر ابو بکر تو ود کے کون ہے اسیں ابو بکر نو آلہ سمجھنے آ نبی تو بعد اسیں ابو بکر نو آلہ مننے آ نبی تو بعد فرماندے نے میں اس تو بعد پوچھیا دوسرے نمبر تے کون ہے کہندے نے انہاں نے حضرت عمر دا بولیا اللہ اکبر تیسری دفعہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا اے لازمن حضرت عثمان دا ذکر کرن گئے تے میں پہلے بول اٹھیا میں کہیا عمر تو بات تے تسی ہو بو گئے کہندے نے نہیں نہیں میں تے عام مسلمان اے آج سی میرے علی دیئے اے پیار میرے علی دائے رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ سارے صحابہ داوی اے ہو موقف ہے سارے صحابہ داوی اے ہو عقیدہ ہے اس اللہ دی زمین تے نبیاں تو بعد اگر کسے دا مقام تے مرتبہ ہے تے ابو بکر دا مقام ہے اللہ اکبر اللہ رب نے بھی ویکھنا قرآن دے اندر انج دی ترتیب لائی ہے اللہ فرماندے نے اولا اکم الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرماندے نے نبیاں دا ذکر پہلے اس تو بعد کنہاں دا ذکر بولو صدیقین دا کنہاں دا ذکر تے امت دا صدیق اکبر کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام عبداللہ ہے اور کنیت انہاں دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق دا لقب بھی میرے تیرے ورگے نے اپنے کولوں نہیں دیتا احادیث دیاں کئی کتب دے اندر
दलैल नबूवा दे अंदर, तबरानी दे अंदर, सही इब्ने हिब्बान दे अंदर, सही रिवायत। नबी अलैहिस्सलाम जदों मेराज तो वापस आए तो आके आपने सारे अहवाल बयान फरमाए तो मक्के वाले ना तालियां मारन लग गए, बड़े खुश होने लग पे। उन्हें बदबख्तां दा ये ज़हन सी कि एड्डी वड्डी गल लै होने बंदा पकड़िया गया, माज़ अल्लाह होने की गल तो कोई एतबार से यकीन नहीं करेगा। वह असी महीना ला के पहुंचने अक्सा के अंदर, ये रातों रात ही वापस आ गया तो वड्डी गल। कहिंदा मैं सत्ते आसमान भी वेख आया, तो मैं जन्नत की सैर भी कर आया, मैं बड़े मंजर जो बुलान वाला बुला लवे तो फिर किसी नूं इतराज करदा है, उन्हें बुलाया वो जानदा किवें बुलाया है, या जान वाला जानदा किवें गया। गए मेरे पैगंबर सैर करके वापस आए तो जो सुबह आके सारा हाल बयान फरमाया। और एक गल होर याद रखी, मेरे नबी दे मौजज़ियां नूं वेख के ना सुन के पढ़ के ते कईआं नूं ए दर्द उठी, उन्होंने ना अपने अपने वक्रे वक्रे एवें वलायतां साबित कर लईआं। जी नबी अली सलाम इतना बड़ा मौजज़ा, एक रात अंदर इन्ना सफर कर सकते ने, ते फलां बजुर्ग फलां बाबे को घट ने ये नहीं कर सकते। और नबियां नूं मनवाना ये रब का जिम्मा हुंदा है, वलियां नूं मनवाना रब का जिम्मा नहीं हुंदा। जदों वलियां ते कोई मुश्किल पेश आवे, जदों कोई हजरूर पेश आवे ते अल्लाह दी तरफों कोई ना कोई करामत जाहिर हो जाती है, वरना एवें किसी दे हाथ ते रब नहीं रख देंदा। जो दिल करे पानी खट्टा मिठा कर दी, कौड़ा कर दी, रत्ता लाल कर दी, ओ कर दी, ऐ कर दी, किसी दे हाथ अंदर इख्तियार नहीं हुंदा। जो जरूरत पेश आवे अल्लाह दी तरफों अल्लाह दी मर्जी दे नाल कोई ना कोई करामत जाहिर हो जाती है। जुरैज वली सी रब दा, मुश्किल आई ना ते अपने हाथ अंदर इख्तियार नहीं सी, दुआ की, दुआ करन तो बाद बच्चे दे पेट ते हाथ पे रहा, उन्हें बोल के गवाही दी। हजरत मरियम दे इल्जाम लगया, जब तक रब दी तरफों वक्त नहीं आया उस वक्त तक नबी ईसा बोले ही नहीं। हजरात ये उनके इख्तियार अंदर होंगे, किसी के हाथ से अल्लाह चीज रख नहीं देता। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाओ। नबी अली सलातुसलाम जो वापस आए, सारे मक्के नूं जदों गल का पता चलिया, अबू जहल दौड़दा फिरदा, बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, लो जी अज तो साड़ी बड़ी वड्डा मसला हल हो गया। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अनहु दा सामना होया ते कहन लगे, अबू बकर तैनू पता तेरा यार किवें दियां गल्लां करदा फिरदा है? अबू बकर फरमांदे ने, नहीं मैनू तां नहीं पता की हो गया, एडा परेशान क्यों है ते खुश क्यों है, तेरा चेहरे दे रंग बदले बदले ने। कहन लग्या, तैनू दसां, तेरा यार कहंदा है मैं एक रात दे अंदर मस्जिद हराम तू अक्सा गया, फिर मैं सत्ते आसमाना ते गया, ते रातों रात मैं वापस भी आ गया। हज़रत अबू बकर हस पै फरमांदे ने, बस इन्नी कु गल ते परेशान है, और असि इस तू वड्डियां गल्लां मन्नी फिरने आ तो छोटी जी गल है। अबू जहला तेरी अकल दे मातम है, ये तो मामूली जी बात है, मेरे नबी ने इस तू वड्डियां गल्लां दसियां ने। अबू बकर ने बगैर सवाल तो मन लईआं ने। ओ मेरे नबी दी उस वक्त दे अंदर तस्दीक करन वाला बगैर सवाल तू, बगैर बहसो मुबासे तू अबू बकर सी। इस बहसा तू अबू बकर नू लकब सिद्दीक दा मिलिया, सारे मक्के दे अंदरों जिन्ने सब तू पहले तस्दीक कीती बगैर किसे सवाल तू अबू बकर ने कीती। अल्लाह ने सिद्दीक अकबर बना छड़िया। सदीक अकबर दी शान अंदर गुस्ताखी करने वाले, मेरे अबू बकर दे बारे जबान दराजी करने वाले, मेरे अबू बकर दे बारे बकवास करने वाले, सुन लो। नबी अली सलातो सलाम दा आखरी वक्त है, महबूब बीमार ने, बुखार है, सख्त बुखार है, ते आका फरमांदे ने, आयशा मेरा दिल करदा है मैं तेरे भाई नू और तेरे वालिद अबू बकर नू बुला के ना मैं एक बात लिख देवा, ताकि मेरे तो बाद कोई ख्वाहिश ना रखे, कोई मुतालबा ना करे। लेकिन फिर मैनू इस गल दा भी पता है कि अल्लाह ते मेरी उम्मत अबू बकर तो इलावा किसे नू कबूल नहीं करनगे। अल्लाह ते मेरी उम्मत अबू बकर तो इलावा किसे नू कबूल, ओए अल्लाह ने अबू बकर नू पहली खिलाफत दिती है, किसने दिती है बोलो? नबी दिए सारा दीन इस्लाम
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਗ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਮ ਲਵੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਦਾ ਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਨਬੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਵੱਲ ਲਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕਤਦਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਫ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂੰ ਚਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਲ ਸਲੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਸੁਲਾ ਹੁਦੈਬੀਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉੱਠੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰੀ ਫਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਜਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜੀਏ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾ ਉਵੇਂ ਨਬੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾ ਉਵੇਂ ਨਬੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਫ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾਇਓ ਮੈਂ ਨਬੀ ਬੋਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ ਨੇ ਮੁਨਕਰੀਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਅੰਦਰ ਯਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕਿਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਕਬਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੌਕਫ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕਿਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ
ने सारी उम्मत दे अंदरों सारे सहाबा दे अंदरों ये फैसला कल्ले अबू बकर दा सी ते सानू समझ नहीं सी आ रही। अल्लाह ने अबू बकर दा सीना खोल छड़िया सी आहिस्ता आहिस्ता फिर सारे सहाबा दा सीना खुलिया सारिआं नू ये बात समझ आई। अबू बकर ने लड़के इस फितने नू खत्म फरमाया। अबू बकर कल्ले दा फैसला सारी उम्मत दा फैसला एक साइड ते लेकिन अबू बकर दा फैसला हक और सच ते मबनी सी। लश्कर उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो महबूब ने लश्कर रवाना फरमाया अपनी बीमारी के दिनों के अंदर अपनी वफात तो कबल रस्ते दे अंदर खबर मिली आका वफात पा गए वापस आ गए। अबू बकर दे हाथ अंदर बाग डोर आई लोगों ने अबू बकर हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला नो नौजवान ने अजे छोटे ने बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबी इन्हां दे मातहत ने ए अमीर ने ओ इन्हां दे मामूर ने इंज करो किसी वड्डे सहाबी नू ए जिम्मेदारी दे दियो हजरत उसामा नू अमीरी तू हटा दियो किसी होर नू अमीर मुकर्रर फरमा दियो कुर्बान अबू बकर तेरी फरासत तू। हजरत अबू बकर फरमाते ने ओ जिस नू नबी ने अमीर मुकर्रर कीता है अबू बकर उस नू हटा दे उसामा नू मेरे नबी ने अमीर मुकर्रर कीता सी अबू बकर हटाने वाला नहीं हटा सकता। कोई एक ऐसा कम लैके आओ अबू बकर ने सुन्नत के खिलाफ कीता होए नबी के खिलाफ कीता होए पूरी जिंदगी दे अंदर जो भी फैसला मेरे अबू बकर ने कीता ऐन शरीयत कुरान नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फैसले दे मुताबिक कीता। नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात हो गई सहाबा ते सहाबा अंदर कोहराम मचया। हजरत उमर ने तलवार कट ली उन्हां दा खुमान सी जिवें हजरत मूसा अली सलाम 40 दिन वास्ते गए सन वापस आ गए साडे नबी भी वापस आन गए तलवार कट ली खबरदार उन्हां नू यकीन ही नहीं सी हो रहा हजे ता कैसरो किसरा फतह होणगे हजे रूम दे खजाने मदीने आणगे मेरे नबी दी इतनियां बिशारतां ए किवें हो सकदा नबी सानू छड़ के चला जाए ए सारा बोझ साडे कंधियां ते पा के आप रवाना हो जाए। हजरत उमर नू यकीन नहीं सी आ रहा तलवार कड्डी खबरदार जिन्ने गल कीती नबी वफात पा गए ने उमर जुबान कट देगा गर्दन कट देगा। हजरत अबू बकर आए सारा मजमा हजरत उमर दे इर्द गिर्द सी आपने किसी दी परवाह न कीती अंदर गए नबी अली सलातो सलाम दी पेशानी ते बोसा दिता फरमान लगे सुनियो अल्लाह तुहाडे ते कदे भी दो मौतां जमा नहीं करेगा। नबी ते वफात पा गए वापस आए मिंबर ते चढ़ गए और ऐलान फरमाया सब मेरे तरह मुतवज्जे हो जाओ। सारे ने हजरत उमर नू छड़िया उस वक्त भी सहाबा दे अंदर हजरत अबू बकर दी बात दे सामने किसे दी बात नू समझिया नहीं सी जांदा सारे हजरत उमर नू छड़ के हजरत अबू बकर दे गिरद जमा हो गए। हजरत अबू बकर ने उस वक्त ऐलान फरमाया फरमान लगे मन काना याबुद मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। अबू बकर ने अपने दिल ते कितना बड़ा पत्थर रख के बात अपनी जुबान विचू अदा की होगी मेरा यार अज वफात पा गए अबू बकर दा नबी वफात पा गए। सुन लो जेड़ा नबी दी इबादत करदा सी ओ जान लवे नबी वफात पा गए ने ते जेड़ा एक रब दी इबादत करदा सी ओ हय अल कय्यूम है ओ हमेशा जिंदा है। लोग हजरत अबू बकर दी तरफ मुतवज्जे होए नाल हजरत अबू बकर ने आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रुसुल। हजरत अबू बकर दी जुबान विचों ए कुरान दी आयत तो सुन के हजरत उमर फरमांदे ने मेरे कदम मेरा वजन बर्दाश्त ना कर सके मैं खड़ा ना हो सकया मैं जमीन ते बैठ गया। हजरात उम्मत दी बाग डोर नू नबी दी वफात तो बाद सब नालों पहले संभालन वाले हजरत अबू बकर ने हजरत अबू बकर दा फैसला सी हजरत अबू बकर दा मुवक्कफ सी बिल्कुल कुरान सुन्नत दे मुताबिक सी पूरी उम्मत नू संभालिया लोग होश अंदर आए लोगों को समझ आई हाँ वाकया नबी अली सलातो सलाम वफात पा गए। बाकी मामला दे अंदर भी जिस तरह मेरे अबू बकर ने आख्या लोगों ने मिनवान उस तरह तस्लीम किया। आओ मैं आखिरी बात सुना के अपनी बात नू खत्म करा। नबी अली सलातो सलाम ने मस्जिद नबवी दे अंदर वेख्या दरवाजे खुले ने लोगों के मुख्तलिफ घरां दे फरमाया सारे बंद कर दियो अबू बकर दा दरवाजा खुला रहन दियो बाकी जितने भी मस्जिद नबवी दे अंदर दरवाजे खुले देने सारे दे सारे
बंद कर दियो। हजरत सारे दरवाजे बंद कर दिते गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो दा दरवाजा खुला रहन दिता। मेरा महबूब बीमार ने, बुखार दी हालत है, सख्त बुखार है। आका फरमांदे ने आयशा जाके अबू बकर नु कह दियो मेरी जगह ते नमाज पढ़ाए, मेरे मुसल्ले ते खड़ा होके इमामत करवाए। अम्मा आयशा सिद्दीका बोलियां कहंदियां ने महबूबा मेरे अबू ते बड़े नरम दिल दे मालिक ने, तुहाडे मुसल्ले ते खड़े होणगे बर्दाश्त नहीं कर सकणगे तुहाडी गैर मौजूदगी नु, नमाज नहीं पढ़ा सकणगे। तुसी किसे होर सहाबी नु कह दियो। आका फरमांदे ने नहीं, अबू बकर नु कहो मेरे मुसल्ले ते खड़ा होए। हजरत आयशा दोबारा एहो जवाब दोहराया। आका फरमांदे ने तुसी बार बार यूसुफ नबी नु जिस तरह औरतां ने तंग कीता क्यों तंग कर रही हो? मैं कह रहा अल्लाह भी इनकार कर दे अबू बकर तो इलावा को मेरे मुसल्ले ते खड़ा होए। जाओ अबू बकर नु कह दियो मेरे मुसल्ले ते खड़ा होके लोगों की इमामत नु संभाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो खड़े होए और इमामत करवाई, आप दे मुसल्ले नु संभालिया। हजरात इस तू भी एक गल समझ आई, मेरे नबी तो बाद बिला फसल अगर कोई खलीफा तो हजरत अबू बकर है। औरत आ गई नबी अलैहिस्सलाम को, आका जी मैंने फला मसला दसो, फरमाया तू बाद अंदर आई। कह लगी आका मैं बाद अंदर आवा तो तुसी होवो ना, तो फिर मैं की करांगी? फरमाया अगर मैं ना होया तो मेरा अबू बकर होएगा, मेरे तो बाद मसला पूछना होवे। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो दे कोल आई, गारे हिरा हिरा दे पहाड़ ते मेरे महबूब चढ़े। हजरत अबू बकर नाल ने, हजरत उमर फरूक नाल ने, हजरत उस्मान, हजरत अली, तलहा, जुबैर, ए सहाबा मेरे नबी दे नाल ने। आका सलातो सलाम ने वेखिया पहाड़ दे अंदर इंज करते जुंबश आई, हिलना शुरू कीता। फरमाया रुक जा, तेरे उत्ते नबी है, तेरे उत्ते सिद्दीक है, तेरे उत्ते शहीद ने। हजरात उस वक्त भी जिमें कुरान अंदर अल्लाह ने एक तरतीब रखी, फरमाया उलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीना वस्सिद्दीकीना। मेरे नबी ने वे तरतीब नाल बयान फरमाया, फरमाया मैं खड़ा तेरे ऊपर नबी खड़ा है और तेरे ऊपर सिद्दीक खड़ा है, बाकी तेरे ऊपर शुहदा खड़े ने। हजरात अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो दे बारे एहो अकीदा बनाया जाए, एहो बयान किया जाए, एहो समझाया जाए और इस अकीदे नु मजबूती नाल थामया जाए। नबी तो बाद अगर कोई उच्ची जात है अबू बकर दी है, अगर कोई बिला फसल खलीफा है तो मेरा अबू बकर है। इत्थे एक गल होर ज़हन नशीन कर लो, जदों अबू बकर दी शान बयान की जाए या किसी सहाबी की शान बयान की जाए तो अहले बैत नु छड़ के बयान किया जाता है। अहले बैत का मुकाम वखरा है, अहले बैत का शान वखरा है। हज़रत अबू बकर का अपना फरमान है, फरमाते ने अगर तुसी नबी दे कुरब नु तलाश करना है तो नबी दे अहले बैत दे अंदर तलाश करो, अहले बैत दे कुरब दे नाल नबी दा कुरब तलाश करो। अहले बैत दा मुकाम शान अपनी जगह ते, मैं सहाबा दी बात कर रहा और सारे असहाब दे अंदरों पहला नंबर किस दा? बोलो ओ यार बोलो ते सही। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो दा ए मेरे नबी दी तरतीब है, ए मेरे रब दी तरतीब है। अल्लाह सानू इन दे मुताबिक अकीदा बना दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू उन्हां दे नाल पक्का सच्चा सुच्चा प्यार और मुहब्बत नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।